मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। हाय फ्रेंड्स, रामदेसवाल ऑफिशियल चैनल में मैं फिर से आपकी स्वागत करता हूँ। आज का, जैसे मैंने एक बताया था कि भगवान है या नहीं, शायद मैं इस जिज्ञासा को मैं कुछ कम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। जैसे कहते हैं, हरि व्यापा सर्वत्र सर्वप्यामि सर्वसा, इसका मतलब होता है कि हरि जो है वो भगवान, हम लोग जिस नाम से वो उनको पुकारते हैं, वो अब चारों तरफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि साइंस क्या कहती है। तो साइंस, पहला चीज़ को समझिएगा कि साइंस कहती है कि फर्स्ट सी देन बिलीव, जबकि नैतिक, नेचुरल और गॉड, भगवान में कहते हैं कि फर्स्ट बिलीव देन सी, आप पहले विश्वास करिए उसके बाद देखिए। अब दूसरा प्रमाण ये आता है कि भगवान है या नहीं। तो जैसे मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि एक साधु महाराज थे, वो कहीं पे बैठे हुए थे और इसी तरह से विवाद चल रहा था कि भगवान है या भगवान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूध लिया एक कटोरे में और दूध लेकर उसमें उंगली वो लगातार घुमाने लगे। तो जब उंगली वो घुमाने लगे लगातार, तो लोगों ने देखा कि ये उंगली घुमा रहे हैं, तो सबका ध्यान उनके तरफ चला गया। तो उनसे पूछा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, क्या ये क्या पागलपन है बाबा, अगर आप घी में, दूध में घी ढूंढ रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है कि पहले एक आग चलाइए, फिर उसमें दूध को चढ़ाइए, उसको गर्म करिए, ठंडा करिए, छाछ बनेगा, छाछ को मथिए, उसके बाद उसको जलाइए, तब जाकर वो घी मिलेगा। तो कहा जाता है नहीं, दूध में घी है ये मुझे मालूम, मुझे घी डायरेक्ट चाहिए। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस का नाम है भक्ति। पता है मुझे उस दूध में वो घी है, वो एक भगवान की तरह है और हम उस भगवान को ढूंढ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे मिलेगा वो। तो प्रोसेस जो भी है, इसके बारे में कहते हैं कि मन बुद्धि, इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि और बुद्धि से बड़ा आत्मा और उससे बड़ा परमात्मा। इन सब चीज़ों को समझिएगा कि ये सब चीज़ें, इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा और आत्मा से बड़ा परमात्मा। अब बात आती है प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या है? कहते हैं कि इंद्राणी, इंद्रियों से बड़ा मन और मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा और आत्मा से बड़ा परमात्मा। कभी आपने गौर किया होगा, कभी आपने ये सोचा होगा कि माइंड, कभी किसी को इसने आपने ये बोलते हुए सुना है कि आई बॉडी, आई माइंड एंड आई थॉट, ठीक है? लेकिन ऐसा लोग बोलते नहीं, बोलने में ही अटपटा लगता है। आपने ये सुना होगा माई बॉडी, माई माइंड एंड माई थॉट, इसका मतलब होता है कि मेरा शरीर, मेरी बातें और मेरी सोच, मेरे विचार। तो आप ये सोचिए कि ये विचार, बुद्धि और मैं, ये तीनों चीज़ ये भी नहीं जानता है कि मैं क्या हूँ, ये अपने आप को ये प्रमाण नहीं कर सकता है। ये बोलता है मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरे विचार, ये सब चीज़ें मिलता है। अब आप बात को समझिएगा, विचार तो इंसान के सोने के बाद भी उसके मन में नहीं रहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई ये कहता है कि ना मानने वाले तो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, अगर वो कोई कहता है कि ऊपर वाले को हम कैसे मान सकते हैं, तो ऊपर वाले के लिए मेरा एक छोटा सा उदाहरण है कि आप किसी से ये पूछिएगा कि ऊपर वाले हर इंसान के लिए अलग अलग अपना एक स्थान बना के रखता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति के लिए जिसने अन्न दिया वो अन्नदाता, एक दुखी व्यक्ति है वो कहीं पर खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो उस दुख को कोई हर लेगा, तो जो हरने वाला है वो है भगवान। इसी तरह से हर एक शक्ति है। अब मान लीजिए कि एक इंसान अगर किसी चीज़ को बनाता है तो उसकी वो चेतना वो इंसान होता है। एक फ्रेम को लिया, लकड़ी को काट के वो जो आकार देता है उसकी वो चेतना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि किसी ने फूल को बनाया, फूल में खूबसूरती देने वाला कौन है? पानी के प्रवाह को एक गति देने वाला कौन है? सूर्य की रोशनी जो हमारे यहाँ तक पहुँचती है उसे देने वाला कौन है? हम जो हवाओं को ले रहे हैं उसे बनाने वाला कौन है? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चेतना है। अब सवाल उठता है इसका जवाब, तो जवाब ये है कि वो जो चेतना है वही परमात्मा है। जिस तरह से आप किसी से ये पूछिए कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, तो सामने वाला एक कहेगा कि किसी ने बनाया होगा, कोई हलचल हुई होगी, कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुई होगी, तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को किसने पैदा किया,
तो कहीं तो कुछ करवट लिया होगा, उस करवट को किसने पैदा किया। इस तरह से जब किसने किसने करिएगा तो उसके सवाल कहीं ना कहीं एक जगह जाकर वो थम जाएगा, वो रुक जाता है। वो जहाँ पर रुकता है परमात्मा उस जगह से शुरू होती है। कहते हैं कि कष्ट जब आपको हद से ज़्यादा बढ़ जाए, किसी चीज़ की कल्पना मात्र से ही वो चीज़ें बिगड़ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आत्मा आके भी थक जाती है। एक चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मन से बड़ा इंद्रियों से, इंद्रियों से जो हमारे शरीर में है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ी आत्मा, और आत्मा जिससे ऊपर है वो हो गया परमात्मा। कहते हैं कि बुद्धि ही बड़ा अगर होता तो सर्वव्यापी और सर्व जगह बुद्धि ही चेतना होती, बुद्धि ही भगवान होता और बुद्धि ही सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह इंसान पर हम लोग सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन कभी इंसान में हमने जीवन डाला है? नहीं डाला है। वो जीवन डालने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा है। इस तरह से मैं कुछ और आपके सामने पक्के लाऊंगा अपने अगले वीडियो में। मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरी बातों को समझिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और इसका मैं अगला भाग मैं रविवार को लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो को बने रहिए और आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।